प्रेम बदलता रहता है, प्रेम स्थायी नहीं होता है, प्रेम टिकता नहीं है। यह मनुष्य के मन का चरित्र है। इस मनुष्य के मन के चरित्र को समझ लेना, ये मन कब टिका है, ये मन कहाँ टिका है, ये मन किसका टिका है, टिकना इसके लिए मुमकिन नहीं है। नौकरी करते करते किसी छोकरी से प्रेम हो जाता है, किसी लड़की से प्यार हो जाता है, किसी लड़की से प्रेम हो जाता है, उसका दीवाना हो जाता है, माँ बाप उसका रिश्ता कर देते हैं, शादी कर देते हैं, विवाह कर देते हैं, घर में पत्नी आ जाती है, पत्नी से प्रेम हो जाता है, और पत्नी से इतना प्रेम होता है कि माँ को ही भूल जाता है और बीवी के सामने ही माँ बाप को अपमानित करने लगता है। शास्त्रों में लिखा है जो गृहस्थी पत्नी का पक्ष रख करके माँ को अपमानित करता है उसके जीवन का सारा पुण्य क्षीण हो जाया करता है, उसका पुण्य खत्म हो जाया करता है। शास्त्रों का उल्लेख मुनि तरुण शाकर के मन का वक्तव्य नहीं है, शास्त्रों का उल्लेख है कि जो गृहस्थी पत्नी का पक्ष रखते हुए बात बात पर माँ बाप को अपमानित करता है उसके जीवन का पुण्य क्षीण होकर के खत्म हो जाया करता है। प्रेम कहीं से चलता है और कहीं पहुंच जाता है। तो मन आदमी का मन पल पल में बदलता है, क्षण क्षण में बदलता है, इसलिए कभी मन में अच्छा संकल्प आए तो उसको कर लेना, सोचना नहीं कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले हफ्ते करूंगा, अगले महीने करूंगा, अगले साल करूंगा, अरे करूंगा है? रहेगा तभी करेगा ना। एक सज्जन आए, बोले मुनि जी कोई नियम करा दीजिए। उनका करो क्या करते है? मुझे मालूम था ये आदमी मंदिर नहीं जाता है कभी। मैंने उसको कहा चलो ऐसा करना, हर रोज मंदिर जाते जाकर के एक रुपया गुल्लक में डालना, दान पेटी गुप्त दान में डालना। बोले ठीक है, स्वीकार किया। चार दिन बाद जब वो आदमी आया, मैंने कहा वो नियम आप चिंता मत करिए, आपने नियम दिया, मैंने अपने मन से नियम लिया है, आप चिंता मत करिए। मैंने कहा मतलब आपने चार दिन हो गए चार रुपए डाले? नहीं डाले तो नहीं, लेकिन आप चिंता मत करिए। मैंने कहा मतलब चार दिन हो गए चार रुपए नहीं डाले आपने? मतलब बोले मतलब क्या मुनि जी, मैंने अपना अपना गणित बिठा लिया। मैंने कहा क्या गणित बिठाया? बोले महीने के आखिरी दिन 30 रुपए डाल दिए, महीने के आखिरी दिन 30 रुपए डाल दिए। तो मैंने कहा ऐसा कर, तू महीने की पहली ही तारीख में 30 रुपए डाल दे, महीना भर तू जिंदा रहे, कोई जरूरी है क्या? कॉमन सेंस की बात है सुरेंद्र भाई, महीने भर निवेदन किया जाना चाहिए कि जब डालना किया तब डालना है। तो ऐसा क्यों विचार करता है कि महीने की आखिरी तारीख पर डाल दूंगा? ऐसा विचार क्यों नहीं करता है कि महीने की पहली ही तारीख पर एडवांस में ये 30 रुपये डाल दी? तो दो तरह के विचार होता है, एक सोचता है कि महीने की बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क है क्या? डालना तो 30 ही है लेकिन नजरिए में दोनों के फर्क है।